कौन था? लूसीफर जो था स्वर्ग में था, परमेश्वर का आराधना करता था और सबसे बड़ा आराधना का लीडर था, यानी कि वर्शिप लीडर था। वो आराधना जो है परमेश्वर की 24 घंटे किया करता था और उसके पीछे जो है सब लोग मिलके आराधना करते थे। और लूसीफर के बारे में वचन हेजकेल की किताब में 28 अध्याय अगर हम 11, 12, 13, 14, 15 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जिस दिन परमेश्वर ने सृष्टि की लूसीफर की, उसी दिन जो है सारे साज भी उसी के लिए सजे गए, जाने की ढोल की, वीणा, गिटार, ढोल की खंजरी, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट थे बजाने वाले, ये सारे के सारे जो है उसी दिन परमेश्वर ने बनाए लूसीफर के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो था म्यूजिक था, म्यूजिक से भरा हुआ था। और जब वो आराधना करता था तो बड़ी ही पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर की आराधना किया करता था स्वर्ग में लूसीफर। हे भाइयों और बहनों, थोड़े दिन के बाद जब उसे घमंड आ गया कि अब तो मैं बहुत ही अच्छा गाना गाता हूँ, बजाता हूँ, सारे साज मुझे आते हैं, और जब उसके अंदर घमंड आ गया और उसने भी परमेश्वर की बराबरी करने की कोशिश की और उसने ये भी सोचा कि सब चीज़ें तो मेरे पास है और मैं काफ़ी सुंदर भी हूँ, इसलिए परमेश्वर ने उसे धरती पर नीचे फेंक दिया। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने शैतान को धरती के नीचे फेंक दिया, अंधलोक में फेंक दिया, जब जो धरती जो है बेडोल और सुनसान सी पड़ी हुई थी, इसमें कुछ जीव ही नहीं था, फिर परमेश्वर ने जब हम वचन को उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसका 1 और 2 को पढ़ते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल पड़ी थी। यहाँ पे हम ये सब पढ़ते हैं, लेकिन जब पृथ्वी पे सब चीज़ों का सृष्टि परमेश्वर ने कर दी, लेकिन उस टाइम पे शैतान फिर से एक बार लूसीफर, यानी कि जब उसे नीचे गिराया गया लूसीफर को, और वो बन गया था शैतान, दुरात्मा से भरा हुआ था, क्योंकि पवित्र आत्मा की जगह उसमें अब उसने खो दी थी। और उसने परमेश्वर से आके कहा, हा, अब तुम्हारी आराधना कौन करेगा, अब तुम्हारे गाने कौन गाएगा, अब कौन तुम्हारे लिए बाजे बजाएगा, क्योंकि सारा म्यूजिक और सब कुछ तो गायक और सब कुछ तो मेरे ही अंदर सुझा गया था, सब कुछ मेरे ही अंदर था, अब आराधना कौन करेगा करके घमंड के साथ परमेश्वर को और ये शैतान कहने लग गया। क्योंकि जिस दिन लूसीफर की सृष्टि की गई थी, परमेश्वर ने उसी दिन गाना बजाने वाले के सुर और ताल को भी, परमेश्वर ने उसी के अंदर सब कुछ सृष्टि की थी। हे भाई और बहनों, शैतान घमंड के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होके कह रहा है कि अब कौन गाएगा, अब कौन बजाएगा, अब कौन करेगा परमेश्वर की आराधना। हे भाई और बहनों, उत्पत्ति की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और उसे अपने स्वरूप में बना के उसके अंदर अपने जान फूंक दी और शैतान को बता दिया कि ये करेगा मेरी आराधना। जाने के अब शैतान के बाद अगर कोई आराधना करने वाला है तो वो है इंसान, जिसे परमेश्वर ने
अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने हमें हमारी सृष्टि इसीलिए की गई थी, हमारी सृष्टि ताकि हम परमेश्वर का आदर करें, उसकी महिमा करें, उसके गाने गाएं और उसी के लिए ही हम गीत गाया करें। हे भाई और